सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फर्स्ट का मेरा 9th लेक्चर है और स्केल यानी मापनी का मेरा आज दूसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 8 में मैंने स्केल का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आप सभी को बताया था, तो आज स्केल के प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले चलते हैं। कल जैसे कि मैंने आपको अपनी लेक्चर नंबर 8 में बताया था कि स्केल 6 टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप्स के स्केल पर हम चलते हैं। तो फर्स्ट टाइप का स्केल हमने जो आपको बताया था वो है सिंपल स्केल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हिंदी में सिंपल स्केल को बोलते हैं साधारण मापनी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल स्केल वह स्केल होता है जिसमें हम मुख्य रूप से दो इकाइयों या एक इकाई और उसके भागों को प्रदर्शित करते हैं। मींस जैसे कि मीटर एंड डेसीमीटर, जैसे कि मैंने कल भी आपको अपनी वीडियो में बताया था, अलग अलग मैट्रिक मेजरमेंट आपको मैंने बताए थे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। मीन्स तो उसी अकॉर्डिंग मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इन सभी को हम शो करने के लिए सिंपल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स इस प्रकार के स्केल में दो इकाइयों का प्रयोग होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सिंपल स्केल पर चलने से पहले हम एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं जिसका यूज़ हम स्केल के अंदर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं LOS। शॉर्ट फॉर्म है इसकी LOS, पूरा नाम है इसका लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है? लेंथ ऑफ स्केल इक्वल्स टू होता है RF, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में RF का फॉर्मूला आपको बताया था। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, RF का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इक्वल्स टू फॉर्मूला जो होता है लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर अगर RF दी हुई है तो सबसे पहले हमें उसकी लेंथ ऑफ स्केल निकालना होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और आपको समझाने जा रहा हूँ जिसका यूज़ हमें प्रॉब्लम्स में या क्वेश्चंस में करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्योंकि स्केल में हम कुछ लेंथ लेंगे तो हमें लेंथ को इक्वली डिवाइड करना आना चाहिए। सपोज दैट मैं 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ऑलराइट, नाउ अब मुझे इस 12 सेंटीमीटर लाइन के इक्वली 5 पार्ट करने हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 5 पार्ट करने हैं, ठीक है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, प्रोटेक्टर या सर्किल मास्टर की हेल्प से आपको सबसे पहले इस पॉइंट से
15 से 45 डिग्री पर एक लाइन क्रिएट करनी है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर 30 डिग्री ले लेता हूँ, 30 डिग्री पर एक पॉइंट मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर की, इसी एंगल पर 10 सेंटीमीटर की ले लेता हूँ, तो 10 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी मुझे इस लाइन के 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो मैं इस लाइन के जो मैंने 30 डिग्री पर इस लाइन से 30 डिग्री पर जो लाइन ली थी, इसके मैं 5 इक्वल पार्ट्स कर दूंगा, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देन अब मैं जो लास्ट वाला पार्ट है, इस पार्ट को इस एंगल पे लास्ट वाले पॉइंट से मिलाता हूँ। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, MD को इसी एंगल पर सेट कर लेना है, और एवरी पॉइंट्स जो हमारे पॉइंट्स थे, उन सभी पॉइंट्स पर ले जाकर प्रोजेक्शन लाइन लेनी है। नाउ दिस एंड लास्ट वन इज दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, ये सभी के सभी इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन है, एक मापनी की रचना करो जो किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो अगर आप इस लाइन को, पहली लाइन को ही पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्केल हमें ड्रॉ करना है, दिस इज़ अ सिंपल स्केल, क्योंकि यहाँ पर हमें टू यूनिट्स रिप्रेजेंट करनी है स्केल पर, किलोमीटर और हेक्टोमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दोबारा पढ़ते हैं, एक मापनी की रचना करो जो किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके, जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो, अर्थात 4 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो हमें ड्राइंग पर 4 सेंटीमीटर में शो करनी है। ऑलराइट, 4 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करनी है, तथा 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमें स्केल ड्रॉ करना है, वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस मेजर कर सकती है वो 4 किलोमीटर मेजर कर सकती है। नाउ RF ज्ञात कीजिए, RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न बोलते हैं हिंदी में, ज्ञात करो, तथा इस मापनी पर 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए या दर्शाइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी RF निकालनी होगी। RF का फॉर्मूला, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, तो सबसे पहले RF का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर कर देते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है RF इक्वल्स टू होता है लेंथ ऑन ड्राइंग, लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें जो प्रश्न में दिया है, प्रश्न के अनुसार 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की दूरी बराबर 1 किलोमीटर है। मीन्स 1 किलोमीटर को 4 सेंटीमीटर में हमें शो करना है। मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर हमारी हो गई लेंथ ऑन ड्राइंग।
मीन्स ड्राइंग पर जो हमें शो करना है वो 4 सेंटीमीटर शो करना है, बट एक्चुअल जो हमारी डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल है, 4 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा एंड 1 किलोमीटर हमारा नीचे आ जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमें इनको कट करने के लिए दोनों की यूनिट्स इक्वल करनी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, देन सेंटीमीटर में, देन ऊपर की यूनिट एज इट इज रहेगी अपॉन 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इन 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब जब हम इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद 1/25, देखिए 25 ज़ा पर 1 बच गया और 1 2 3 3 0, 1 2 एंड 3। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आरएफ की कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज ऊपर भी सेंटीमीटर है और नीचे भी सेंटीमीटर है, दोनों की दोनों यूनिट्स कट हो जाएंगी। तो आरएफ की जो हमारी वैल्यू आई है 1/25,000 आई है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हम एलओएस बनाते हैं, एलओएस निकालते हैं। एलओएस इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूला, आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। तो आरएफ माय डियर स्टूडेंट्स हमारी आई है 1/25, 1 2 एंड 3। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसने कहा है तथा 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो, मीन्स जो मैक्सिमम लेंथ है वो इसकी 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर को हम माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें स्केल लेना है तो शीट पर हमें सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करना होगा। तो किलोमीटर को अगेन हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये हमारी जो यूनिट आ गई वो सेंटीमीटर में आ गई। माय डियर स्टूडेंट्स, 30 से 30 कट हो जाते हैं, 5 से अगर मैं इसको कट करूँ तो 25, 4 ज़ा 100, 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो 16 सेंटीमीटर की हमारी स्केल की लेंथ है। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 16 सेंटीमीटर की, जो हमारा स्केल की लेंथ है। तो 16 सेंटीमीटर की आप मेज़र करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 16 सेंटीमीटर की, दिस इज कॉल्ड एल ओ एस, लेंथ ऑफ स्केल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, हमें 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर शो करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इस 16 के इक्वली 4 पार्ट्स कर लेते हैं, 4 पार्ट्स इसके कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, इक्वली पार्ट करने के लिए हम इस लाइन से 15 to 40, 15 से 45 डिग्री, 15 से 45 डिग्री के बीच एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसको चलिए मेज़र कर देता हूँ, यह हम 16 ही ले लेते हैं, चलिए यहाँ तक ले लेते हैं 16, और 4 4 सेंटीमीटर के हम इस पे मार्किंग कर देते हैं। थ्री एंड लास्ट वन इज 4। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है इसको हम एंगल पर मीट कर देंगे, और इसी एंगल पर लेते हुए हम आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आप भी 16 सेंटीमीटर ही लेंथ लें, वो आप 8 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 12 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, मींस उसके इक्वली आप इजीली 4 पार्ट कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने इसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर ली थी, इसके मैंने 4 4 सेंटीमीटर्स पे पॉइंट लगा दिए,
लास्ट वाला जो पॉइंट था हमारा, इसको हमने लाइन की लास्ट वाली पॉइंट से मिला दिया था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ शो करते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम जो हमारा स्केल था वो 4 किलोमीटर मेजर करने वाला था। ओके, तो स्टार्टिंग हम यहाँ से फर्स्ट जो हमारा पार्ट होगा इसको हम 0 शो करेंगे। वो भी मैं आगे बताऊंगा कि 0 यहाँ पे क्यों शो किया। नेक्स्ट 1, 2 एंड 3। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देखिए एक चीज़ और, बच्चे जो गलती करते हैं वो यही करते हैं, ये जो मैंने लाइन ली है ये हमें 2H पेंसिल से लेनी है, और ये जो प्रोजेक्शन लाइन है ये भी 2H पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ये जो मैंने लाइन स्टार्टिंग में ड्रॉ की थी ये H पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो हमने यहाँ पर लिया है ये किलोमीटर में है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं किलोमीटर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देन अब हम अपने स्केल को 5 mm ऊपर उठा लेते हैं एवरी पॉइंट से। फाइव फाइव एम एम और एक लाइन ले लेते हैं लास्ट तक। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देन अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक की जो हमने डिस्टेंस शो की थी ये किलोमीटर के अंदर की थी। नाउ वी नो दैट, कल मैंने जो अपनी लाइक वीडियो में आपको शो किया था, बताया था कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, किलोमीटर और हेक्टोमीटर दोनों हमें शो करने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसे हमें इक्वली 10 पार्ट्स में अगेन डिनोट डिवाइड करना होगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस हम शो करेंगे वो हेक्टोमीटर की शो करेंगे। तो नाउ अगेन एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने इसके पार्ट किए थे, अगेन इसके पार्ट करते हैं 10 पार्ट्स इक्वली। तो यहाँ पर हम जल्दी से मैं कर देता हूँ, फोर्टी फाइव डिग्री पर। ओके, 10 पार्ट्स करते हैं हम इसके। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फाइव सेंटीमीटर की ले लेता हूँ, और इसके इक्वल पार्ट्स होंगे 5 5 mm के। तो मैं जल्दी जल्दी मार्किंग कर लेता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ अब जो लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट को मैं इस 0 वाले पॉइंट से मिला दूंगा, और इसी एंगल पर मैं अपने MD को रखकर कंटिन्यू हर पॉइंट से लाइन ले लूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, स्केल का मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे एंगल पे इक्वल डिस्टेंस पर लाइन लेनी है। नाउ अब मैं इन लाइंस को वर्टिकली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ऊपर उठा देता हूँ। ऑल राइट, अब देखें माय डियर स्टूडेंट्स, 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मीन्स यहाँ पर मैं आपको
ये हमारा हेक्टोमीटर में है, ये 10 हेक्टोमीटर हो गया। यहाँ से 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 हेक्टोमीटर हो गया। मैं यहाँ पे नाम शो कर देता हूँ, हेक्टोमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हमारा क्वेश्चन एंडिंग पे है। देखिए हमें जो डिस्टेंस शो करनी है वो 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर शो करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 किलोमीटर तो हम यहाँ पर चलते हैं और 6 हेक्टोमीटर हम चलते हैं 1 हेक्टोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, 4 हेक्टोमीटर, 5 हेक्टोमीटर एंड 6 हेक्टोमीटर। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस होगी ये हमारी थ्री किलोमीटर एंड 6 हेक्टोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर एंड 6 हेक्टोमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम LOS भी शो कर देते हैं, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ले जाते हैं और ये डायमेंशनिंग लाइन है हमारी। मेरी यहाँ डिस्टेंस ना होने के कारण मुझे ये डायमेंशनिंग लाइन अंदर लेनी पड़ेगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि नीचे शो करें। दैट इज कॉल्ड LOS, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई थिंक सो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आऊँगा। मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इसलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपका कमेंट रहता है, कोई भी आपका प्रॉब्लम रहती है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है, तो प्लीज़ प्लीज़ स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।